अब साधारण आदमी को भगवान तक कैसे पहुंचाया जाता है ये भी सुन लो। जो एकदम आलसी है, कुछ सूझता नहीं, उसको बोलते कुछ काम करो करो। कुछ नहीं करने से तो जड़ता आ जाएगी, भगवत तत्व जागृत नहीं होगा। कुछ करो, करने लगा तो बोले अब गलती ना करो, अधर्म वाला ना करो, धर्म वाला करो। क्योंकि अधर्म वाला फिर नीचता में ले आएगा, धर्म वाला करो, निषिद्ध मत करो। तो उसका एक पगथिया ऊंचा आ गया, वो विहित करता है। फिर बोले विहित विहित मत करो, विहित करके फल की इच्छा करोगे तो वो फल मिलकर नष्ट हो जाएगा। ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो, निष्काम भाव से, तो उसका और एक ऊंचाई आ जाएगी। फिर बोले निष्काम भाव से तो करते, लेकिन अपने को करता मत मानो। करता मानोगे तभी भी ईश्वर की विश्रांति से, ईश्वरत्व से दूर बने रहोगे। कोई बल्लभ कहे कि मैं रोशनी देता हूं तो मूर्ख है, मुख्य धारा से जुड़े बिना बल्लभ रोशनी नहीं दे सकता है। पावर हाउस से जुड़े बिना बल्लभ रोशनी नहीं दे सकता। ऐसे कोई बोले मैंने ये काम किया वो काम किया, मैंने ऐसा किया, मैं सेवा किया बिना स्वार्थ के किया, तो मैं तेरे मैंने क्या करा, उस सत्ता के बिना तेरा मैं क्या कर सकता। बुद्धू मुख्य धारा से अलग होकर बल्लभ क्या कर सकता है, मुख्य गंगा जी से अलग होकर एक प्याला पानी का किसकी प्यास बुझा सकता है, सबकी तो नहीं बुझा सकता। ऐसे परमात्मा से अलग होकर मैं धर्मात्मा हूँ, मैं निष्कामी हूँ, ये अड़चन है, ये निकाल दे, तब वो व्यापक से जुड़ेगा उसकी सत्ता। अभी भी रोज परमात्मा से जुड़कर ही तुम कर सकते हो। रोज तो क्या, हर सेकंड परमात्मा से जुड़कर कुछ होता है। परमात्मा की चेतना से आंखें जुड़ती है तभी देखती, मन जुड़ता है तभी सोचता है, बुद्धि जुड़ी है तभी निर्णय करती है। ये सब बदल जाते फिर भी नहीं बदलता, वो ही सत्य है, कहाँ दूर है वो परमात्मा। वही चेतन है, वही आनंद स्वरूप है। बुद्धि शांत हो गई, वासना चली गई, तो एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा। इच्छा तो कभी पूरी ही नहीं होती, एक इच्छा पूरी, दूसरी दूसरी, तीसरी इच्छाओं में फंस के मर जाता है। और आवश्यकता पूरी हुए बिना रहती नहीं, आवश्यकता है भोजन की, आराम से पूरी हो जाएगी, कपड़ा ढकने की पूरी हो जाएगी, शरीर को बचाने के आवास की पूरी हो जाएगी। लेकिन इच्छा हो गई कि ऐसा फ्लैट हो, ऐसा भोजन हो, ऐसे कपड़े हो, ऐसी पत्नी हो, ऐसा फर्नीचर हो, ये इच्छा इच्छा में खप जाते। आवश्यकता तो आसानी से पूरी होती, प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन इच्छा को महत्व दे दे के भटक जाते। तो दो आवश्यकता होती है, एक आवश्यकता होती है शरीर की, रोटी पानी कपड़ा आवास, ये शरीर की आवश्यकता है। और रोटी पानी कपड़ा आवास मिल गया तो भी तुमको कुछ नहीं मिला। ये जीवात्मा को परमात्मा के प्राप्ति की आवश्यकता है। वो नहीं किया तो रोटी पानी कपड़ा कितना भी मिला, एक फ्लैट नहीं 10 फ्लैट मिले तो क्या हो गया, 1 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ मिल गए तो क्या हो गया, ज्यादा संभाल के मरेगा और क्या होगा। आपकी दया से मेरे को फ्लाइट मिल गया, मेरे को ये मिल गया, लेकिन आखिर क्या, ततः किम। तो फिर असली आवश्यकता जगेगी, असली आवश्यकता है आत्म परमात्मा को पाना। जैसे असली आवश्यकता और दूसरी नकली इच्छा, ऐसे फिर जीवात्मा को असली आवश्यकता परमात्मा को पाने, नकली इच्छा रहती कि ये हो जाए ये हो जाए, और नकली को इतना महत्व देते कि असली का पता ही नहीं चलता,
बुद्धि मारी गई। बोलते सत्संग से विवेक होता है और विवेक का नौवां हिस्सा बुद्धि पुष्ट होती। बुद्धि से विवेक नहीं बनता, विवेक से बुद्धि बनती। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो विवेक भी दो प्रकार का होता है, एक सामान्य विवेक और एक मुख्य विवेक। क्या खाना क्या नहीं खाना, किधर सोना किधर नहीं सोना, गर्मी से कैसे बचना सर्दी से कैसे बचना, ये तो कुत्ते बिल्ले कीड़ी मकोड़े खटमल में भी विवेक होता है। कीड़ी भी देखेगी धुआं है आग है तो उधर से साइड मार जाएगी। मकोड़े में भी विवेक होता है कि गुड़ कहाँ है और नमक क्या है। तबीयत को शरीर को संभालने का विवेक तो तुच्छ बैक्टीरियाओं में भी होता है, कीड़े मकोड़ों में भी होता है, कीड़ियों में भी होता है कि अब ठंडी हवा आ रही है तो ये बरसात पड़ेगी, हमारे बच्चों को यहाँ बिल में डूब मरेंगे, तो बच्चों को निकाल के कीड़ी सुरक्षित जगह पे रख देती। ये है नश्वर को संभालने का विवेक। लेकिन सत्संग मिलता है तब शाश्वत को पाने का विवेक जगता है। इसलिए जो सत्संग में आते हैं दूसरे को लाते हैं या सत्संग जिनको मिलता है वे बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। सत्संग से जो ज्ञान बढ़ता है, जो पुण्य होता है, जो विवेक होता है, वो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े बड़े धन से, बड़े बड़े सर्टिफिकेट और विद्याओं से नहीं होता। सत्संग से कितना, अभी थोड़ी देर में कितना मिल गया। दुनिया के सारी पढ़ाई लिखाई करके भी आदमी इतना महान नहीं बन सकता जितना सतगुरु के सत्संग में महान बनना आसान हो जाता है। ध्रुव को उसकी मां ने कहा, 5 साल का ध्रुव बोले, मां मेरे को सौतेली माँ ने थप्पड़ मार दिया है। बोले बेटा क्या करे, अपनी तपस्या कम है इसीलिए दुख भोगना पड़े। तो माँ तपस्या कैसे होती? बोले गुरु मंत्र देते फिर एकांत में ध्यान करते, एकाग्रमन होता है तो तपस्या होती। तो बोले माँ फिर मैं एकाग्रमन करूँ ध्यान? बोले नहीं बेटे सो जा, तो भी 5 साल का है। 5 साल का ध्रुव, 5 साल के ध्रुव को माँ हाथ घुमाती, सो जा बेटा। लेकिन ध्रुव सोचा कि गुरु मंत्र देते फिर जप करते एकाग्र होते तपस्या होती है, भगवान मिलते कैसे मिले। माँ तो हाथ घुमाते घुमाते सुलाते सुलाते खुद सो गई और ध्रुव तो धीरे से नीचे उतरा खाट से, पहले खाट होती थी अभी पलंग में, और भगा जंगल की तरफ गुरु को खोजने। और नारद जी मिले और ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्राणायाम सिखाया। तो ध्रुव प्राणायाम करते श्वास रोकते तो मनोबल बढ़ गया, फिर श्वास बाहर रोकते तो शरीर की शुद्धि हो गई, फिर जीभ तालू में लगाते तो भूख प्यास कम हो गई, ध्यान लगने लगा। 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए। और ये तो 12 साल के बैल हो गए, वो 5 साल के ध्रुव को तो ईश्वर मिल गया। 12 वर्ष ना बढ़ दिया, अजी ईश्वर प्राप्ति ना करी लो। कोई 12 साल के बैल, कोई 25 साल के बैल, कोई 50 साल के बैल ऐसे घूम रहे।